नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सब भगतगण की तरफ से हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए कि बाबा केदारनाथ जी के बारे में बताइए तथा वहाँ पर अगर कोई सस्ता रूम मिल सकता है, होटल मिल सकता है, तो उसकी जानकारी दीजिए। तो इसी के लिए दोस्तों हमने यह वीडियो बनाया है। कृपया दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है पूरी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, हम व हमारे चैनल की टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया है, आप में से ही 5 भक्तों को माता वैष्णो देवी जी की यात्रा व दर्शन निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ धाम जी की कहानी की। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए जो कि हमारे बड़े भाई द्वारा निर्मित है, जिसे कि हम आपको दर्शा रहे हैं। यह वीडियो का श्रेय जो है वो डीजी किड्स प्रो नाम के यूट्यूब चैनल को जाता है, जिनका यह वीडियो है। कृपया आप वीडियो पूरा देखें। पूरे संसार में देवों के देव महादेव की कई पवित्र स्थान हैं। उनमें से एक कैलाश पर्वत पर स्थित है, जिसे हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। केदारनाथ धाम के पीछे एक अद्भुत कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र की लड़ाई आखिरी चरम पे थी, और फिर पांडवों के विजय के बाद धर्म की विजय हुई। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की राज को स्थापित करने के लिए और युगों युगों तक इसे निरंतर चलाने के लिए महादेव की अनुमति लेनी आवश्यक है। अपने भाइयों को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा माधव। महादेव आप कहाँ हैं? हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं और अदृश्य हो गए हैं। चाहे कितने ही युगों तक हमें इंतजार क्यों ना करना पड़े, हम आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। दोस्तों जो भीम जी थे, उन्होंने महादेव को ढूंढने के लिए पूरा अपना ध्यान लगा दिया। अंत में उन्हें जानवरों से एक झुंड मिला जो कि पहाड़ के किनारे पे खड़ा हुआ था। सभी जानवर उनके पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु महादेव उनके पैरों के नीचे से नहीं निकल सकते थे। हम तुम्हारी निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म की स्थापना करो, आने वाले कई युगों तक पांडवों का स्मरण किया जाएगा, तथास्तु। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जौन सा हिस्सा भीम जी के हाथ में था वो केदार के नाम से जाना जाने लगा था। जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो आप शिवलिंग का रूप देखते हैं, वो भी जो बैल के पीठ होती है वो आकार में बना हुआ, क्योंकि दोस्तों जो भीम जी के हाथ में शिला, जो महादेव जी आए थे तो उस समय सिर्फ उसी रूप में जो है आप आए और भीम जी को जो है दर्शन दिए, पूरे पांडवों को दर्शन दिए तथा उन्हें जो है अपने भ्रातहत्या के जो उनके पाप था उससे मुक्त किया तथा उन्हें ये भी वरदान दिया कि आने वाले युगों युगों तक जो है पांडवों का नाम जो है वो याद रखा जाएगा, उनका जो स्मरण किया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों जो पंचकेदार है, पंचकेदार भी ऐसे निकले हैं जहाँ से महादेव जी जब धरती के अंदर समाए थे, जौन सा ऊपर का हिस्सा है वह पशुपतिनाथ नेपाल में जाकर मिला, और बाकी जौन से दोस्तों हिस्से हैं जैसे महादेव जी के जो जटाएं हैं वहाँ पर कल्पेश्वर महादेव है, जहाँ पर महादेव जी के हृदय और बाजू का हिस्सा है उसे तुंगनाथ महादेव कहा जाता है, तथा जहाँ पर महादेव जी का मुँह है उसे दोस्तों रुद्रनाथ कहा जाता है, जहाँ महादेव जी का धुनी है उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोस्तों जो है पंच केदार का निर्माण हुआ था। ऐसे ही दोस्तों देखिए, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये केदारनाथ जी का मंदिर है ये 400 सालों तक तो बर्फ़ के अंदर दबा रहा, जो ग्लेशियर है ग्लेशियर इसके ऊपर जमा रहे, और वैज्ञानिक भी हैरान है कि इतनी जो है समय की इतनी मार खाने के बाद भी यह जो मंदिर है वह खड़ा कैसे है। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जो मंदिर के निर्माण में जो शिलाएँ यूज़ हुई हैं, जो पत्थर यूज़ हुआ है, वो आसपास तो किसी एरिया में मिलता नहीं है। इससे हमें यही ज्ञात होता है जो हमारे पुराने जो हमारे देवी देवता थे वो कितने बलशाली थे, वो कितने शक्तिशाली थे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, 400 सालों तक भी मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा, परंतु मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, बस जो खरोचे हैं खरोचे मंदिर की दीवारों पर आज भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों यही थी बाबा केदारनाथ धाम जी की कहानी। तथा दोस्तों साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपकी तरफ से एक डिमांड और भी आई थी, आपकी तरफ से एक डिमांड यह भी आई थी कि हमें बाबा केदारनाथ धाम जी में जो
सस्ते सस्ता जो होटल मिल पाए उसकी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप केदारनाथ टेम्पल पहुँचेंगे, टेम्पल के बिल्कुल सामने जो है नंदी जी का जो है आकृति है, वो आपको पता है मूर्ति है नंदी जी की, तो आप वहाँ से जैसे ही अपने राइट हैंड पे देखेंगे तो भैरव बाबा मार्ग लिखा हुआ, वहाँ से आप सीधा जाएंगे दोस्तों, सीधा आगे जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाके जो भैरव बाबा मार्ग पर ही एक जो है भवन बना हुआ है, वहाँ पर दोस्तों आपको आराम से फ्री में जो है डोरमेट्री मिल जाएगी, वहाँ पर धर्मशाला है, धर्मशाला के अंदर आपको जो है सोने के लिए नीचे तलाई दे दी जाएगी तथा ऊपर के लिए आपको कंबल दे दिया जाएगा। दोस्तों ये जो सुविधा है ये बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर दोस्तों भंडारा भी चल रहा है, आप वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं, खाना भी बहुत जो है बिल्कुल ही स्वादिष्ट खाना है दोस्तों, कोई आपको दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, आप एक बार जरूर जाएं। मैं खुद दोस्तों वहाँ जाने की इच्छा रखता हूँ, मैंने खुद दोस्तों जो है अभी 4 तारीख को जब मैंने आपको बोला है मैं खुद वहीं पे स्टे करूँगा, तो दोस्तों बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल बिना पैसे के स्टे आपका वहाँ पर होगा। तो दोस्तों यही थी जो मैं आपको बताना चाहता था, बाकी आप में से कई भाइयों की डिमांड आई है पंच बद्री पर भी एक जो है वीडियो बनाई जाए, परंतु दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी तक पंच बद्री में नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ बद्रीनाथ धाम किया है। जैसे ही मैं कोई भी पंच बद्री में से कोई भी धाम करता हूँ मैं जरूर जो है पूरी जानकारी के साथ मैं वीडियो दोस्तों बनाऊँ, तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगेगा और तभी दोस्तों मैं आपको भी जानकारी दे पाऊँगा। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने चैनल पर यात्रा और यात्रा से जुड़ी जो है जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।